तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर को देखने के बाद इतनी चीज कंफर्म हो चुकी है कि इस मूवी के अंदर हमें काफी सारे एक्समैन और म्यूटेंट दिखने वाले हैं। तो ये म्यूटेंट है कौन, ये इनका ओरिजिन क्या है, तो इन सब चीज़ के लिए हमें सारी एक्समैन और सारे म्यूटेंट्स की मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन उनका देखने का सही ऑर्डर क्या है, अगर हम इन सबको देखना स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें, हमें कौन सी मूवी सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फैन में डिबेट चलती रहती है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए या फिर एक्समैन 1 देखनी चाहिए। तो आज मैं प्रॉपरली एक सही ऑर्डर में सारी मूवीज़ को अरेंज करके लाया हूँ और बताऊँगा कि हमें सबसे पहले कौन सी मूवी देखनी चाहिए और उनका देखने का सही ऑर्डर क्या होने वाला है, ताकि हम इन सभी मूवी का देख के प्रॉपर्ली सभी म्यूटेंट और सभी एक्समैन का ओरिजिन पता कर सकें, ताकि हमें और भी मजा आए अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन को देखने में। तो सबसे नंबर 1 मूवी है एक्समैन फर्स्ट क्लास। इसमें सबसे बिगनिंग में हमें ये दिखाया जाएगा कि अपने एक्समैन का ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी बिगनिंग कैसे हुई। नंबर 2 पे है एक्समैन डे ऑफ द फ्यूचर पास्ट। इसमें जो स्टोरी है ये एक्समैन फर्स्ट क्लास के बाद की है, जहाँ पे आगे जाके अपने म्यूटेंट्स का क्या हाल हो सकता है वो चीज़ दिखाई गई है। नंबर 3 पे है वुल्वरीन ओरिजिन। ये बेसिकली पूरी मूवी अपने वुल्वरीन के ओरिजिन और उसके बिगनिंग पॉइंट को दिखाती है। नंबर 4 पे है एक्समैन अपोकलिप्स। ये मूवी रिसेंटली 2016 में रिलीज हुई है और इसका जो VFX और CGI था वो बहुत ही बढ़िया था, और जो इसका फाइटिंग सीक्वेंस था वो बहुत ही बढ़िया था। नंबर 5 एक्समैन डार्क फीनिक्स। इसके अंदर बेसिकली हमें फीनिक्स की पावर देखने को मिली और वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है वो देखने को मिला है। उसके बाद आती है एक्समैन 1, जहाँ पे प्रॉपरली हमें टीम अप दिखाया जाता है अपने सभी एक्समैन का। नंबर 7 एक्समैन 2, जहाँ पे हमें दोबारा से एक्समैन वापस से रीअरेंज होते हुए रीयूनियन होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 एक्समैन द लास्ट स्टेज, फिर नंबर 9 पे है द वुल्वरीन, फिर नंबर 10 पर डेडपूल, फिर नंबर 11 पर डेडपूल 2, फिर नंबर 12 पर द म्यूटेंट्स और नंबर 13 पर लोगन। इस लिस्ट के अंदर बेसिकली मैंने एक्समैन 97 जो सीरीज़ है उसको कंसीडर नहीं करा है। इसमें सिर्फ हमने सभी मूवीज़ के ऑर्डर को देखा है कि हमें कौन सी मूवी से अपने एक्समैन और म्यूटेंट्स की मूवी को देखना चाहिए। तो दैट्स ऑल इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना कि इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी हुई है।